नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम के अब। और आज की इस लेटेस्ट वीडियो में बात करेंगे जो पबजी लैगिंग फिक्सिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा था, जो पबजी में जो लैगिंग प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो जाएगी इस GFX से। पिछली बार का जो GFX टूल मैंने बताया था वो वर्केबल नहीं हो रहा था, कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके बताया था, तो आज मैं आपको एक अच्छा GFX बता रहा हूँ और इसको मैंने यूज़ करा है। इसके कुछ कस्टमाइजेशन है, मतलब उसको सारा कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। उसके बाद आप एक बार पबजी खेल के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है GFX टूल, और GFX टूल यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले को डाउनलोड कर लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 MB का है, और इसको फिर सिंपली ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट वर्जन के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको वर्जन सेलेक्ट कर लेना है ग्लोबल का। यहाँ पर ऐड आने लगती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करा था, और ग्लोबल वाले के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ी सा गेम अच्छा करने के लिए आप इसको इतना कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी, बट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है थोड़ी इंक्रीज़ होगी। तो 960 और 540 इसको कर दीजिए। ग्राफिक्स देख सकते हैं, इसको बैलेंस्ड कर दीजिएगा, ग्राफिक्स जो है इसको बैलेंस कर दीजिए। और उसके बाद आप जो FPS है उसको आप 60 FPS पे कर दें। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्टाइल है, मतलब जो इसका जो मतलब क्लासिक वगैरह आते हैं, तो आप इसको कलरफुल कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं रेंडरिंग क्वालिटी, इसको हमेशा लो रखें। और उसके बाद देख सकते हैं टेक्स्चर क्वालिटी, इसको लो कर दें। और उसके बाद इफ़ेक्ट क्वालिटी, इसको भी लो कर दें। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ इफेक्ट मीडियम रखें, और ऑब्जेक्ट लॉट जो डिस्टेंस होता है उन सबको मीडियम रहने दीजिए। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलेगा कलर फॉर्मेट, इसको आपको 32 बिट्स पे कर दें। लेकिन अगर आपका 2GB 3GB है तो ये सेटिंग्स में 2GB और 3GB के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है मेरे तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल मोड, इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। और उसके बाद लाइट इफेक्ट जो है लो कर दें। ग्राफिक्स API डिफ़ॉल्ट रहने दें। कस्टमाइज ये जो GPU ऑप्टिमाइजेशन है इसको इनेबल कर दीजिए। और साउंड क्वालिटी है इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। और जो सेव कंट्रोल्स हैं इसको ही डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट करके यहाँ पर फिर एक ऐड आएगी। इसको फटाफट क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रन गेम, इस पर क्लिक करना है, और ये कुछ इस तरीके से गेम स्टार्ट होगी आपकी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गेम हमारी स्टार्ट हो रही है, और कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस क्या मिलती है आपको मैं दिखा देता हूँ, और देखते हैं इस बार आपको क्या मिलता है इस बार इस सेटिंग्स में। क्योंकि मैंने ट्राई करा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ इस बार कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इस GFX में। तो ये कुछ इसको कट करते हैं। नाउ कुछ इस तरीके क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट आपको एकदम नंबर वन मिलेगी, और जो क्वालिटी है वो भी एकदम अच्छी से सेटिंग्स जो हाई ग्राफिक्स की तरह आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते सेटिंग्स पे, ग्राफिक्स पे, यहाँ पर आपको एक्सट्रीम और इसको स्मूथ पे कर लेना है। ओके, यहाँ से ओके कर देना है, ये कलरफुल पे रहेगा, बाकी ऑल सेटिंग्स जो है अपने आप ही वो सही रहेंगी। कट करते हैं, यहाँ पर आपको ये सेटिंग्स मिल गई है, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसको गेम को अब ट्राई करते हैं क्या आपको अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको मैं एक गेम, ये TDM खेलते हैं। और दोस्तों जो गेम है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, तो एक ये अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं गेमिंग, मेरा फ़ोन भी आपको मैंने बताया था मैं M20 यूज़ कर रहा हूँ, 3GB RAM वाला फ़ोन है, तो इस वजह से आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गेम ऑन हो चुकी है, और यहाँ से माइक फ़ोन ऑफ करते हैं। हाँ दोस्तों गेम हम ट्राई करते हैं क्या आपको क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। तो चलिए तो चलते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जा रही होगी। और दोस्तों पहले जो था बहुत लैग कर रहा था, और अब कोई ऐसा कुछ है नहीं, आप देख सकते बहुत ही स्मूथ गेम देखने को मिलेगी।
देख सकते हैं, मैं कैमरे में शूट कर रहा हूँ इसलिए कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। दोस्तों क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव। और दोस्तों बहुत ही अच्छी गेमिंग आपको क्वालिटी इसमें मिलने वाली है। अब आफ्टर दिस सेटिंग आप इसको यूज़ करें और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी गेम चल रही है मेरी। अब आपको ये देखने को मिल जाएगा आफ्टर सेटिंग। और दोस्तों जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और मैंने ब्राइटनेस भी बहुत ही ज़्यादा कर रखी है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गेम है वो बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, कंप्लीट देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर ये वर्क करता है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।